माता वैष्णो देवी का मंदिर एक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में माता वैष्णो देवी माता पार्वती माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप में पूजी गई थी। लोक कल्याण के लिए माता ने एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया। माता ने त्रिकुट पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के बाद उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती में विलीन हो गई। आज भी ये कहानी माता की अनंत शक्ति का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद हर भक्त को उन्नति और समृद्धि देता है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हज़ारों के हिसाब से सैलानी यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर पूरे देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर अपने चमत्कारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। माता वैष्णो देवी का सफ़र एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है। ये यात्रा जम्मू और कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर तक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है जो कटरा से शुरू होता है। और आज हम आए हैं जम्मू, द सिटी ऑफ टेंपल्स। जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल्स क्यों कहा जाता है विशाल? वैसे क्योंकि यहाँ पे हर 2 किलोमीटर के बाद आपको मंदिर दिखेगा ही दिखेगा, इसीलिए इसको सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है। और आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू में ही है। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं। इस सफर के लिए हमको 14 या 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा तो हम पहुंचेंगे वैष्णो देवी टेंपल। वैष्णो माता के सफर के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जैसे कि घोड़े। मैं हूं सुनीता और वैष्णो माता के दरबार की पहली सीढ़ियां यहां से स्टार्ट होती है। यहां से 425 सीढ़ियां है जो हमें चलनी है। अभी हम पहुंच चुके हैं वैष्णो माता के दर्शन के पहले स्थान पर, जहां पर वैष्णो माता कन्या रूप में थोड़ी देर के लिए ठहरी। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है जहां से लोग पैदल घोड़े पालकी या हेलीकॉप्टर की मदद से त्रिकुट पर्वत पर स्थित भवन तक पहुंचते हैं। रास्ते में 3 मुख्य स्थान आते हैं, बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में एक गुफा है जिसे गर्भजून कहते हैं। कहा जाता है कि यह माता वैष्णो ने 10 महीने तपस्या की थी। लगभग चलते चलते हमको 2 घंटे हो चुके हैं, काफी थक भी गए हैं, लेकिन चलिए पूछते हैं विशाल से उनको कैसा लग रहा है। देखो माता का नाम लेते जाओ, होली होली चलते जाओ, बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलते हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है। यहाँ पे जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, खाने की सुविधा है। यहाँ पे देखिए स्पेशल मसाले के साथ आपको फ्रूट चाट मिलेगा और यहाँ पे सैलेड भी मिलता है, आपको डाइट भी अच्छी मिलेगी। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। भवन पहुँचने के बाद भक्तों को माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं जो पिंडियों के रूप में होते हैं। ये 3 पिंडियाँ माता महाकाली माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप को दर्शाती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह सफर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है और हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। जैसे कि बच्चों के बिना माँ बाप से खाया नहीं जाता, वैसे ही घोड़ों पर जाके माता जी को पाया नहीं जाता। पटना से आपको वैष्णो माता के बारे में कैसे पता लगा? सर आ रहे हैं 15 साल से। अच्छा, आप 15 साल से आ रहे हैं, तो आपके दर्शन अच्छे से हो गए? बहुत अच्छे से। तो आपको कटरा से भवन तक कितना समय लगा? हम लोग सर लगा 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। देवी वैष्णवी को अपने जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त करना बताया गया था, लेकिन उनके मन में संसार के कल्याण की भावना इतनी प्रबल थी कि वे एक योगिनी के रूप में जीवन जीने लगी। उन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। ये वो जगह है जहां भैरवनाथ से छुपकर माता बैठी हुई थी और उन्होंने यहां बैठकर 9 महीने तक तपस्या की थी। माता वैष्णो देवी का मंदिर एक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में माता वैष्णो देवी माता पार्वती माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप में पूजी गई थी। लोक कल्याण के लिए माता ने एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया। माता ने त्रिकुट पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के बाद उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती में विलीन हो गई। आज भी ये कहानी माता की अनंत शक्ति का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद हर भक्त को उन्नति और समृद्धि देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम वैष्णो माता पहुंच चुके हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्रसिद्ध गुफा का महत्व इसलिए काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि माता ने 9 महीने उस गुफा में बैठकर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद जब भैरव बाबा से माता लड़ने आई थी तो माता ने भैरव बाबा का सर काटकर भैरव घाटी में पहुंचा दिया था और जो भैरव का शरीर है वो भवन में ही रह गया था। इसीलिए वहाँ की जो गुफा है उसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है।